are questioning the election results and the EVMs, but the people of Maharashtra have decisively shown their support for Saffron Values. He further outlined future plans, saying, "We will take strong actions against love jihad and land jihad, and we are committed to introducing anti-conversion laws in the state." देखिए, ये हिंदुत्व की जीत है। हिंदुत्व क्या, हिंदू समाज के हिंदू समाज ने भगवा विरुद्ध फतवा का जवाब दे दिया है कि हमारे महाराष्ट्र में सिर्फ भगवा ही चलेगा, फतवा चलेगा नहीं। ये जो मैंडेट हमको मिला है वो लव जिहाद, लैंड जिहाद और इस्लामीकरण के खिलाफ है। महाराष्ट्र के हिंदू समाज ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया है कि ना हमारे महाराष्ट्र में इलीगल 5 बार जो मस्जिद से जो भोंगे बजते, लाउडस्पीकर बजते, वो बंद हो जाने चाहिए। जो सब जगह जो चादर डालने का, हरी चादर डालने का जो का कार्यक्रम इस्लामीकरण का शुरू हुआ था, उसके खिलाफ हमको मैंडेट मिला है। इसलिए अभी महाराष्ट्र में सिर्फ भगवाधारियों का ही राज्य चलेगा, और उस तरीके का मैंडेट हमको मिलने के वजह से अभी उसी तरीके की गवर्नमेंट आपको आने वाले दिनों में दिखेगी। तो दैट यू प्लीज वेट एंड वॉच, आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इसका जवाब खुद ही मिलेगा। मुझे कोई जवाब देने की जरूरत है। अपोजिशन जो है वो अभी भी सवाल बना रहा है ईवीएम को लेके, खुद संजय राउत जी बोले। देखिए, जब भी जीतते हैं तभी ईवीएम को तकलीफ नहीं रहती है, जब भी हारते हैं तभी ईवीएम के बारे में ये लोग रहते। अभी अपोजिशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस आप दीजिए मत, क्योंकि महाराष्ट्र के जनता ने ही अपोजिशन को अपनी जगह दिखा दी है ना। अभी हम लोग को अपोजिशन को ज्यादा महत्व देने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र के हिंदू समाज को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इनको लग रहा था कि ये उलेमा हो, मुस्लिम